पहले था वियो एलटी, वियो एलटी के बिना हम लोग स्मार्टफोन सोच नहीं सकते थे, अभी आ गया है वियो वाईफाई। जी हाँ, 2022 का सबसे चर्चित टॉपिक है वियो वाईफाई, कौन से फोन पे अवेलेबल होगा, कौन से फोन पे अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन गुड थिंग इज दैट वियो वाईफाई अगर कोई भी ब्रांड चाहे उनके बहुत सारे सिलेक्टेड फोन्स में वियो वाईफाई का अपडेट ओटीए के माध्यम से वो लोग दे सकते हैं। जी हाँ, ये गुड न्यूज़ है। और मैंने वियो वाईफाई के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, आई बटन में क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं, जहां पर मैंने आपको बताया वियो वाईफाई वियो एलटी एग्जैक्टली है क्या, कैसे ये काम करता है। तो चलिए वीडियो का आगे बढ़ाते हैं, आपको बताते हैं अगर आपके पास नोकिया स्मार्टफोन है तो कौन से नोकिया स्मार्टफोन में आपको मिलेगा वियो वाईफाई का सपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप देख रहे हैं डेटा टॉक। सो दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं बता दूं, इंडिया में फॉर द टाइमिंग दो ऐसे सर्विस प्रोवाइडर है जो लोग वियो वाईफाई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, एक है आपका एयरटेल, दूसरे आपका रिलायंस जियो। जी हाँ, बाकी कोई भी सर्विस प्रोवाइडर अभी तक वियो वाईफाई का अपडेट प्रोवाइड नहीं किया, अभी देखना पड़ेगा कि कितना जल्दी वो लोग प्रोवाइड करते हैं। कोलकाता में वियो वाईफाई काफी अच्छे तरीके से चल रहा है, लगभग सभी जगह पर वियो वाईफाई अवेलेबल है जियो और एयरटेल का। तो मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करूँ, एक है आपका जियो सपोर्टेड स्मार्टफोन, दूसरा है आपका एयरटेल सपोर्टेड स्मार्टफोन। सबसे पहले बात करते हैं जियो सपोर्टेड स्मार्टफोन के बारे में। अगर आपके पास है नोकिया 9 प्योर व्यू, नोकिया 8 सीरीज को, नोकिया 8.1, नोकिया 7.2, नोकिया 7.1, नोकिया 7 प्लस, नोकिया 6.2, नोकिया 6.1 प्लस एंड नोकिया 6.1, इनमें से अगर कोई भी आपके पास स्मार्टफोन है और अगर आप जियो इस्तेमाल करते हैं तब आपको ये सभी फोन में मिल जाएगा वियो वाईफाई का अपडेट। नेक्स्ट बात करते हैं एयरटेल डिवाइसेस के लिए, अगर आपके पास एयरटेल सिम है और उसके साथ साथ अगर आप नोकिया स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो कौन से फोन में आपको मिलेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम नोकिया 9 प्योर व्यू, नोकिया 8 सिरिको, नोकिया 8.1, नोकिया 7.1, नोकिया 7 प्लस, नोकिया 6.1 प्लस, नोकिया 6.1, ये सभी डिवाइसेज में आपको मिल जाएगा वियो वाईफाई का अपडेट। अब इसको इनेबल करने के लिए सिंपली आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, उसके बाद आप सर्च करो वाईफाई कॉलिंग, इनेबल वाईफाई कॉलिंग ऑप्शन, बस तभी आपका हो जाएगा। अगर अभी तक आपको अपडेट नहीं मिला, बहुत ही जल्दी ओटी अपडेट के माध्यम से आपको ये अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस का सवाल है, मैंने काफी सारा स्मार्टफोन इस्तेमाल किया, इन्फिनिक्स का इस्तेमाल किया है, टेक्नो का इस्तेमाल किया है, उसके बाद रेडमी है और आपका सैमसंग है, सभी स्मार्टफोन में लगभग मेरे पास जो भी मॉडल्स है उसमें आपका वियो वाईफाई का अपडेट है। लेकिन मैंने देखा वियो वाईफाई का कॉल इतना कंस्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारा बार कॉल ड्रॉप इशू है, कॉल लैगिंग है, वॉइस ड्रॉप हो रहा है और कई कई बार मुझे जब कोई मेरे दोस्त फोन करते वो लोग बोलते हैं मेरा फोन स्विच ऑफ है, तो ये वाला दिक्कत एक हो रहा है जो मुझे देखना पड़ेगा ये कब तक एयरटेल सॉर्ट आउट करता है। इवन जियो में भी लगभग सेम हो रहा है, और जब मैं वाईफाई बंद कर देता हूँ वाईफाई कॉलिंग के बिना नॉर्मल नेटवर्क से कॉल करता तब कॉलिंग काफ़ी बेहतर हो रहा है, ये रिसेंटली मैंने नोटिस किया क्योंकि मतलब वियो वाईफाई सबको इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है। हालांकि ये वियो वाईफाई का जो सर्विस है वो आपके घर में जो ब्रॉडबैंड स्पीड है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मुझे लगता है ये सर्विस को और भी अपडेट करना जरूरी है। चलिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इनिशियली अच्छा था, अभी उतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं जनरली वाईफाई बंद करके रखता हूँ जब भी घर में रहता हूँ, क्योंकि लोग हमेशा मुझे गाली देके बोलते हैं तेरा फोन स्विच ऑफ क्यों है। जो भी है, ये था आपका लेटेस्ट अपडेट अबाउट वियो वाईफाई विथ नोकिया स्मार्टफोन्स। आप बताओ आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, उसके साथ साथ फॉलो मी ऑन ट्विटर, फेसबुक एंड शेयर ऑन इंस्टाग्राम, विच इज इंस्टाग्राम लाइक डेडा 15। सो इस वीडियो में अभी तक लेते हैं, दिस योर होस्ट अमित साइनिंग ऑफ फ्रॉम डेडा, होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।